अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं चिकन की एक सिंपल सी और जल्दी से तैयार होने वाली डिश। और ये देखिए, ये है आधा किलो के करीब का चिकन जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम इसे तेल में फ्राई करने के लिए रखा है। ये देखिए, हमारा चिकन तेल में फ्राई हो रहा है। तो जब ये फ्राई हो रहा है तो साथ ही साथ हम इसमें मसाले भी ऐड करते हैं। तो ये हमने नमक डाल दिया है और ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 2 टेबल स्पून हम डालेंगे। साथ ही हमने ये एक हरा मसाला तैयार किया है, इसमें है धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, काजू और प्याज। जैसे जैसे चिकन भुन रहा है तो साथ ही साथ हम ये मसाला भी उसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे तब तक जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। भुनने के साथ साथ ही हम इसमें और भी मसाले हैं जो मिलाएंगे। ये है तेज पत्ता जो हमने 2 डाले हैं इसमें, हम चलाते भी रहेंगे ताकि मसाला नीचे सट ना जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला जो कि हमने घर में ही बनाया है। घर में गरम मसालों को भूनकर और जब हम पीसते हैं तो उसका अलग ही एक टेस्ट आता है। साथ ही ये है लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर आप अपने अंदाज से दीजिए क्योंकि हमने जो हरे मसाले का पेस्ट बनाया था उसमें भी हरी मिर्ची थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो आप जिस तरह का टेस्ट आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हैं। जैसे जैसे हम मसाले मिला रहे हैं उसी तरह हम उसे चलाते भी जा रहे हैं ताकि चिकन नीचे से सट ना जाए और उसका टेस्ट ना खराब हो जाए। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें अंदाज से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जो चिकन है वो गल भी जाए अच्छी तरह से। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना चिकन ने शुरू कर दिया है, इसे हम स्लो आंच पे पकाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली जब मैंने इसमें दही डाला था तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो इसमें मैंने करीब 2 बड़े टेबल स्पून से दही डाला था जिसे हमने अच्छे से पहले फेंट लिया था और फिर इसमें मिलाया था। तो दही डालने के बाद और इसे ढक के हम धीरे धीरे पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, अब हमारी करी जो है चिकन वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारा चिकन देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। तो आइए अब इसे सर्व करते हैं और रोटी और चावल किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और दोस्तों, आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।